हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? सर, बेटे नू सगाया हुआ है जी, एग्जामा कोई 2 साल तो चल रहा है। लेफ्ट पूरियां भरिया है, बाहां पूरियां, चेस्ट के उत्ते जिहड़ी लेफ्ट वाली अपनी निप्पल है, राइट वाली निप्पल ओहदे उपर हैगा, ते हैंड दे उपर, फिंगर दे उपर, मोरे मोरे नया दे कोल देगा। अभी आपके साथ ही है? हाँ जी, हाँ जी, अभी कोल ही। आज जा अच्छा, कर लो उनसी बात। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आप बोल रहे हैं? मतलब जिसको है एग्जाम, बेटा बोल रहा है? उसी से कर लो बात। हाँ हेलो, हाँ हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। अच्छा, आप अपना रूटीन बताएंगे, कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं सुबह से? जी, रूटीन एक्चुअली रात को नींद नहीं आती ज्यादा, मतलब नींद 5 बजे सुबह आती है, और 5 बजे आती है तो पूरा दिन मतलब नींद में जाता है, और 4 बजे उठ जाती है शाम को। क्या 4 बजे क्या होता है? अच्छा, 4 बजे उठ जाता हूँ मतलब सुबह शाम 5 बजे को। नींद हाँ आती है? जी, हाँ जी, हाँ तो सुबह 5 बजे नींद आती है, तो 4 बजे तक सोते हैं आप? जी, 4 बजे तक सोते हैं। पर ये तो 11 घंटे हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो नाश्ता नहीं करते आप? नहीं, नाश्ता नहीं करता। ओके ओके, तो फिर ओके, फिर आगे 4 बजे उठने के बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद मतलब शावर करता हूँ। पर ये जो 4 बजे उठने वाला होगा और सोने वाला होगा 5 बजे, ये तो अब चल रहा हो रहा है लॉकडाउन में, या पहले भी यही चल रहा था? नहीं, अभी लॉकडाउन में हुआ है, पहले तो ठीक था। पहले क्या चल रहा था, पहले का बताइए ना, पहले से हो रहा है ना प्रॉब्लम तो? पहले पहले नींद आ जाती थी अराउंड 12 बजे तक। अब सुबह सुबह उठ जाता था मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 बजे तक। ओके। नहीं, हाँ, उसके बाद फिर मेरा ब्रेकफास्ट होता था। पहले लेट पेशाब। हाँ जी, वो वॉशरूम पेशाब होता कब तक? था, और जब भी उठो तभी, साथ में। अच्छा, उठते ही आपका पेट पेट साफ हो जाता था? हाँ जी, नहीं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है? कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अब थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही है, पहले ठीक थी। ठीक है। और सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं जाने से पहले, मतलब हाँ जी, हाँ जी, एक मोशन टॉयलेट लीटर। जाने से पहले पानी पीते हैं हाँ जी, 1 लीटर पीता। पूरा 1 लीटर? और हाँ जी, नहीं, ये 2 साल से पी रहे हैं? अराउंड 4 साल हो गए। क्यों पीना शुरू किया था सुबह? मतलब मैं जिम वगैरह वैसे लगाने लग पड़ा था, पहले जिम क्या जिम, क्या वगैरह लगाने शुरू कर दिए थे, तो उसके साथ फिर वो कब कहते थे शुरू कि किया था पानी जिम? नहीं पी। 4 साल ही हो गए। हाँ जिम में सप्लीमेंट्स लिए थे? कौन जी, कौन से? वे वे प्रोटीन एंड बीसीडब्ल्यूएस, प्रोटीन और बीसीडब्ल्यूएस बीसी डबल ए। हाँ बीसी डबल ए जी, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स। या तो आपने फिर मसल्स वगैरह ग्रो हो गए आपके? तो हाँ जी, मसल्स वगैरह ग्रो हुए थे अराउंड ये कब से कब तक किया जिम? अच्छा, 4 साल, अभी इस साल ही छोड़ा है। आप छोड़ दिया अभी लॉकडाउन से पहले छोड़ा है? ठीक नहीं, पहले छोड़ दिया था। है। कितना पानी पी रहे थे उस समय जब ये वे प्रोटीन और ये डब्ल्यू वगैरह ले रहे थे, रोज 4 लीटर। हाँ का या जिम करते हुए? जी, नहीं, रोज मतलब डेली का ये पूरे दिन का पानी था या जिम करते हुए था? नहीं, पूरे दिन का पक्का है? पूरे 4 लीटर था या ज्यादा था? 4 लीटर था। हाँ कैसे, बॉटल वगैरह भी लेते थे, नापते थे? जी, मैंने बॉटल रखी हुई थी। ठीक है। और उसके अलावा दूध और चाय और बाकी सब चीजें दूध वगैरह पहले तो बहुत पीता था, जब कब? से मतलब ये एग्जिमा स्टार्ट हुआ है फिर छोड़ दिया दूध नहीं नहीं बिल्कुल ही। मतलब 1 मिनट, पहले का ही बताओ। पहले तो 4 साल पहले आप दूध काफी पीते थे, कितना पीते थे? सुबह उठ के पहले, सबसे पहले दूध ही पीना, बड़ा ग्लास बड़ा ग्लास कितने एमएल का? आधा 500 ml। लीटर? ठीक हाँ जी, है। फिर फिर उसके बाद दही खाता था दूध पीने के इमिडिएटली बाद, मतलब थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, थोड़ी देर बाद। हाँ जी, हाँ, 1 घंटे के बाद दही कितना खाते थे? दही भी मतलब एक कटोरी, फिर उसके बाद शाम को दूध पीना, कितना, आधा लीटर? सेम आधा लीटर। हाँ जी, हाँ बस, दोपहर को भी दही लेते थे? नहीं दोपहर को नहीं लेता था। दही 300 400 ml तो होगा एक बड़ी कटोरी।
हाँ जी, तो अगर दूध को मिला लें तो 1 लीटर दूध हो गया और 400 ml के करीब ये हो गया दही, तो करीब साढ़े पांच लीटर हो गया। हाँ जी। और जूस भी लेता था जूस कौन सा? मिक्स, मतलब वेजिटेबल वगैरह और सारा कुछ डाल के। वो भी आधा लीटर? हाँ जी, वो भी आधा लीटर। छह हो गया। और चाय नहीं लेते थे? नहीं, चाय नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह? हाँ, वो भी कभी कभी, और हफ्ते एयर में भी। दो तीन दिन? हाँ जी। पर जब भी होती होगी आधा लीटर 600 ml तो होगी। अच्छा, नहीं, थोड़ी सी। उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह भी होंगे? हाँ जी, फ्रूट्स वगैरह भी दे। रोज के? अच्छा, रोज तो नहीं, अभी रोज शुरू कर दिए हैं, साल 2 साल हो गए, पहले रोज नहीं थे। नहीं पहले रोज नहीं थे, थे। हाँ जी अभी साल 2 साल से रोज शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। कितना ले रहे हैं फ्रूट्स रोज? फ्रूट्स ऑलमोस्ट कह लो भी आप 200 ग्राम्स। क्या लेते हो? ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट एंड बनानास, बनानास कितने? ऑलमोस्ट 2। तो एक ही बनाना 200 ग्राम का तो होगा ही, 2 400 ग्राम के तो ये हो गए। फिर ग्रेप्स और अनार भी ले रहे हो? हाँ जी, इतना ही हो गया। आधा किलो हम आधा किलो उसके? वाटरमेलन भी कभी कभी ले लेते हैं जब सीजन होता है। तो वाटरमेलन तो 4 5 किलो ही खा जाते होंगे एक बार। ऑलमोस्ट 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 पूरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा पूरा वो खा लेते होंगे ना वाटरमेलन? ये पूरा तो नहीं, मतलब एक चौथाई कह लीजिए। 1/4। तो एक बड़ा तो 4 5 किलो का होता है, तो 1/4 तो 1 किलो 1.5 किलो हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी, ऑलमोस्ट इतना। मतलब उसकी मैं स्लशी से बना के पीता हूँ, उसकी मतलब स्मूदी बना के मैं पी लेता हूँ कभी पर कभी, रोज नहीं कभी स्मूदी, कभी। पर वो जो होता है आपका जूस अलग और ये स्मूदी अलग। हाँ जी, स्मूदी लग। अब दूध बंद है बस हाँ जी, दूध बंद है 2 साल से। और दही चल रहा है? नहीं, दही में नहीं, मतलब डेयरी तो जम सारी खत्म है। डेयरी खत्म कर दिया आपने? और नहीं, पानी 4 लीटर ही चल रहा है? पानी अब हो गया है 2 से 2.5 लीटर। क्यों कम क्यों किया? अब जूस वगैरह की इंटेक थोड़ी ज्यादा हो गई है ना, कितनी? मतलब सुबह 500 ml जूस होता है पहले, और उसके बाद शाम को सेम, फिर सूप होता है तू किस चीज का? मिक्स वेजिटेबल। अच्छा, वो कितना होता है? वो भी आधा लीटर? नहीं, वो मतलब 300 ml। अच्छा, और खाना कितना खाते हैं? खाना अराउंड 3 मील्स अ एक मील में डे। कितना खाते हैं? हाँ जी, एक मील में कितना खाते हैं? 1 मील में अराउंड 3 रोटी। हाँ जी, और थ्री वीक रोटीज एंड हाँ जी। और नॉन वेज कितना लेते हैं वीक में? नॉन वेज तो काफी होता है, कितना? 3 से 4 बार। पर एक एक मतलब दिन में एक ही बार होता है, एक से ज्यादा बार भी हो जाता है दिन में? एक से ज्यादा बार भी कई बार हो जाता है। पर टोटल 4 बार ही होता है हाँ वीक जी, में? वीक में क्या 4 से लेते 3 से 4 बार। हैं नॉन वेज में? चिकन, मटन बस। गर्म घर का बना हुआ बाहर का बना हुआ? सारा नहीं, घर का। हाँ घर का ही होता है? जी, हाँ जी, बाहर का तो मैंने खाना छोड़ दिया 1 साल हो गया। और ये 4 साल पहले भी खाते होंगे नॉन वेज तो? हाँ जी, हाँ जी, पहले वो पहले अंडे बहुत खाता था। कितने? अंडे मतलब एक दिन के मेरे अराउंड 8 अंडे होते थे, और अभी एक दिन के होते थे, एक टाइम के होते थे, पूरे एक एक दिन के। हाँ दिन के ना? जी, अच्छा, और ये क्या बात हो रही थी अभी? सुबह क्या खाते थे? सुबह पहले के, अब पहले पहले खाते थे अंडे होते थे, ब्रेड होती थी और मिल्क का ग्लास होता था। ब्रेड कितनी होती थी? ब्रेड अराउंड 4 पीसेस। आपने जब जिम शुरू किया क्या वेट था आपका? जिम शुरू किया था तब मेरा वेट था 72, और जिम जब खत्म किया तो 80 तो हो गया था 92। 92? तो हाँ जी, हाँ अभी कम कैसे हुआ? आपके डैडी ने 80 बोला है? जी, अभी कम हो गया, कैसे? वो भी डाइट वगैरह में खत्म कर दिए बिल्कुल, और ये होम्योपैथी एक दवाई मैं ले रहा हूँ तो उससे भी फर्क पड़ा है। क्या एग्जिमा में फर्क पड़ा है?
नहीं है, वेट में 90 कितना था? 92। 92 अभी 80 कितना हो गया? 82 या 80 हो गया? नहीं अभी 80 हो गया। तो मतलब 12 किलो कम हो गया। हाँ जी। कितने पीरियड में? अराउंड 6 मंथ। आप टॉयलेट कितनी बार जाते हैं लेटरिन करने? एक बार दिन में। पेट साफ हो जाता है एक बारी में? हाँ जी। कभी आपने कहा कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गया? हाँ जी हाँ जी, कभी कभी नहीं होता। तो गैस बनती है, सर दर्द होता है? हाँ जी हाँ जी। सर दर्द कितना फ्रीक्वेंटली होता है? सर दर्द नहीं होता, गैस बनती है। गैस बनती तो सर दर्द नहीं होता? नहीं सर दर्द नहीं। तो गैस पास हो जाती है बेसिकली, सर में नहीं जाती? नहीं हाँ जी पास हो जाती है। जिम कितने देर करते थे रोज? एक टाइम में 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का जिम? ज्यादातर वेट ही होता था, कार्डियो नहीं होता था? नहीं कार्डियो नहीं होता था, वेट लिफ्टिंग नहीं होती थी। सॉरी मैं भूल गया, जिम जब स्टार्ट किया था कितना वेट था? 72 20 किलो गेन किया, फिर 12 किलो लूज कर लिया। हाँ जी। अभी जो लूज किया उसमें मसल्स लूज हुए या क्या हुआ है? क्या लगता? हाँ जी, हाँ जी, मसल भी लूज हुआ, फैट भी लूज हुआ। फैट भी हुआ है? हाँ। तो अभी आप ज्यादा फिट हो गए हो? हाँ जी फिट हो गए कह सकते हैं। पर फ्लैप नहीं है मतलब? हाँ जी। ये जो आपने होम्योपैथी के लिए वेट लॉस के लिए ली थी या एक्जिमा के लिए ली? एक्जिमा के लिए ली थी। देखिए मेरी नॉलेज के अंदर जितने भी लोग एक्जिमा के ट्रीट किए हैं आज तक, हाँ सबका फ्लूइड इंटेक ज्यादा होता था। ठीक है जी। अभी एक बच्चे का कर रहे थे, तो बच्चे को 4 साल की बच्ची थी और उसका जो मतलब पैदा इसी ही था जो बताया था कि शुरू से ही था एक्जिमा। अच्छा जी। नहीं मेरा तो शुरू से नहीं था ये अभी। हाँ, हाँ समझ गया। तो आपका जो एक्जिमा का कारण है वो आपका जिम से रिलेटेड है? जिम से हाँ साथ साथ जितनी चीजें आपने शुरू करी है सारा उसकी देन है? हाँ जी हाँ जी। और फ्लूइड का भी है? ठीक है जी। और तीसरा आपने कार्डियो बिल्कुल नहीं करी? नहीं बिल्कुल तो नहीं, हफ्ते में मतलब एक 3 टाइम्स करते थे। कितनी देर के लिए? 10-15 मिनट? 20 मिनट्स। तो पसीना अच्छा निकालते थे? हाँ जी पसीना अच्छा निकल जाएगा। तो भी पहले आप... भी मतलब मैं स्पोर्ट्स में ही रिलेटेड था, मेरे स्विमिंग में मतलब था, नेशनल तक खेल रहा हूँ। कब? जिम करने से पहले स्कूल टाइम में। स्विमिंग कब शुरू करी थी? स्विमिंग जब मैं 7th में था, ऑलमोस्ट 2013 में। 13 से कब तक करी? 13 से 2016 तक। तो करीब 3-4 साल करी है? हाँ जी हाँ जी। ओके अब सीधा बताऊं करना क्या है? हाँ जी। सारी चीजें बंद कर दो, जितने फ्रूट सलाद स्मूदी वगैरह लेते हो सब कुछ बंद कर दो। ठीक है जी। खाने के साथ 1 गिलास पानी पियो सिर्फ। ठीक है जी। 3 गिलास पानी पूरे दिन में। ओके। खाना जैसे खा रहे हो खाते रहो। ठीक है जी। उसके अलावा वॉक एंड रेस्ट कर लो, हर आधे घंटे में 5 मिनट घर के अंदर चल लो। ठीक है जी। 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेट जाओ। ठीक है जी। तो 10 मिनट ये है, तो हर आधे पौने घंटे में करोगे तो करीब करीब दिन में 15 एक बारी हो जाएगा 5-5 मिनट चलना। हाँ चलना आराम से चलना है, नॉर्मल स्पीड से, ना स्लो ना फास्ट। ठीक है जी। ये करने के बाद मतलब ये पहले एक दिन करना है खाना खाना? और ये तो आप शुरू में मेरे ख्याल से जो आपका हिसाब किताब चल रहा है 5-6 दिन से लेकर हफ्ते तक करो। ठीक है जी। इसमें आपका टारगेट ये रहेगा कि आपका पानी कम होने के बाद आपके मुंह में स्लाइवा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके। स्लाइवा इंक्रीज होने का मतलब है आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना शुरू करेगा। ठीक है। जैसे ही आपके मुंह में कंटिन्यूअसली एक दिन स्लाइवा रह जाए। ठीक है जी। तो उसके बाद एक तो फीडबैक दो। उसके बाद क्या? फीडबैक दो, फीडबैक फोन करो। ठीक है जी। और दूसरा काम ये करना है कि आप उसके बाद अगले दिन पानी के इंक्रीज करने का प्लान बनाते हैं। ठीक है जी। हफ्ते के बाद? हफ्ते के बाद नहीं, जिस दिन भी आपको लगे कि आज पूरा दिन ही मुंह में स्लाइवा काफी था। ओके ओके ओके। तो
फ्लेवर एक लिमिट के बियॉन्ड भी ठीक नहीं है, तो जब पूरा दिन फ्लेवर रहेगा तो उसके अगले दिन फिर पानी बढ़ाकर फिर उसके बाद बिल्कुल जीरो करना पानी। ओके तो आप तो यंग हो, स्पोर्ट्समैन भी हो, तो आपको 2 दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। ठीक है जी। जिस दिन पानी बंद करना है उससे पहले वाले दिन 4-5 लीटर पानी पीना है, एक एक गिलास करके। जब पानी बंद करना है? हाँ, जिस दिन पानी बंद करना है ना, 2 दिन पानी बंद करना है, ऑलमोस्ट 60 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है जी। उससे पहले वाले दिन, मतलब पानी बंद करने से पहले वाले दिन 4-5 लीटर पानी पीना है, एक एक घंटे में एक एक गिलास, एक घंटे में या 45 मिनट में एक एक गिलास, उसके बाद एकदम से बंद कर देना है। एक रिक्वेस्ट है, मतलब आप ये सारा कुछ लिख के देख सकते हैं? जो भी बातचीत हो रही है रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। ये नंबर व्हाट्सएप पर है, तो मैं इसको व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। तो ये फोन आपका नहीं है ना, आपके फादर का है? हाँ जी। तो इनसे मतलब यूट्यूब पे डालोगे ये वीडियो? कंपल्सरी है, मेरा जो काम करने का तरीका है वो तो यही है ना, सो दैट वो एक एग्जांपल बन पाए, लोगों को ये पता लगे क्यों होता है। ओके 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 ठीक। उसमें ऐसा कोई चीज नहीं है, पर्सनल नाम कोई आपसे पूछा नहीं, और अगर आप कहोगे तो शुरू का 1-2 लाइनें काट भी दूंगा। हाँ जी, वो काट देना, मतलब कहाँ रहते हैं वगैरह। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। वो मैं काट दूंगा, और उसके बाद फीडबैक देते रहिएगा, और कोशिश एक, और ये फोटो भेज दो अपनी जो भी हाथ पैर की है ना, जहाँ पर एक्जिमा है, कितना है, कैसा है, तो कोशिश ये करो कि अगले 15 दिन के अंदर एक्जिमा पूरा खत्म हो जाए। तो उसके लिए 15 दिन अच्छे से मेहनत कर लो, और रात को सो सा लो, मोबाइल रख दो। ठीक है जी, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, थोड़ा ढंग से कर लेना, क्योंकि अगर ये नहीं निपटता तो ये जिंदगी भर भी खींच जाता है। ऑटोइम्यून सिस्टम बीमारी कहते हैं इसको, और मेडिसिन सिस्टम के हिसाब से आप चाहे लोग एलोपैथी आयुर्वेद वाले जो मर्जी क्लेम करते रहे, बट एज पर मेडिकल साइंस WHO के हिसाब से ये इनक्यूरेबल डिजीज है। मैं यूजली आप जैसे लोग है ना, तो आई डोंट नो, मेरे को ये जिम का जो चक्कर है ना, ये जो सप्लीमेंट वगैरह होते हैं ये कितने हद तक खराब करते हैं पता नहीं, पर मेरी कोशिश होगी 15 दिन के अंदर एकदम सफाचट हो जाए, इसलिए 15 दिन बहुत सीरियस है ना। और मतलब ऊपर मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, ना ऑयल ना मॉइस्चराइजर ना कुछ। ठीक है जी। इचिंग इचिंग होगी, बस रहना पड़ेगा, और बीच में इचिंग बढ़ भी जाएगी 2-3 दिन के लिए। ठीक है, जब ये खत्म होना शुरू होगा ना, तो ये सिकुड़ना शुरू होगा, और जैसे जैसे सिकुड़ेगा तो 2-1 दिन परेशान करेगा, फिर एकदम से गायब हो जाएगा। ओके ठीक है। और लॉन्ग रन के लिए अच्छा ये मिल्क नहीं लो, और अगर आप चाहो तो इसको 4-5 दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, कि जो आपका अभी अच्छा दूध तो ले ही नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो कर ही सकते हो कम। ठीक है, आपका इमीडिएटली कर दो, कल से ही आप खाने के साथ पानी पीना शुरू कर दो, और बाकी सब बंद कर दो। ठीक है, ठीक है, बाकी मैं भेज रहा हूँ आपको। और आपने फ्रूट भी बंद कर दो? हाँ, सब चीजें बंद, सिर्फ रोटी सब्जी, रोटी दाल सब्जी और चावल और नॉन वेज जो लेते हो वो सब लेते रहो। ओके जी, उसके अलावा सब बंद कर दो। ठीक है जी, ये 5 दिन ये करना है और फिर आपको फीडबैक देना है ना? 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपका मेरे को पता नहीं, हो सकता है यंग हो आप, तो अगर आपका एक्टिविटी लेवल इतना अच्छा है तो हो सकता है आपका 1 या 2 दिन में स्लाइवा खूब बन जाए। ठीक है जी, क्योंकि आप लोगों का और भी बहुत सारी कंसिडरेशन होती है ना, आपका स्टेमिना वगैरह वैसे अच्छा होता है, तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, हो सकता है हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों का हफ्ते के अंदर खत्म हुआ है जिनको 50-50 साल से था। Okay. तो इसलिए आपका जो नुकसान आपके सप्लीमेंट्स की वजह से हुआ है वो कितनी दूर तक गया है उसके वजह से टाइम कम ज्यादा हो जाएगा, वैसे तो हो जाएगा ठीक जल्दी। ठीक है, और जो भी चीज बताई अपने डैडी से शेयर कर लेना, सो दैट इनको ये ना लगे कुछ गलत कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, मैंने स्पीकर पे रखा था, साथ में बैठे थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।